चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षय चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, परमिटेड सीट और रिकॉग्नाइज्ड सीट क्या होती है? परमिटेड सीट रिकॉग्नाइज्ड सीट में कब कन्वर्ट होती है? क्या हमें ये पता रहता है कि हम रिकॉग्नाइज सीट पर एडमिशन ले रहे हैं या परमिटेड सीट पर एडमिशन ले रहे हैं? ये कैसे पता लगाएं कि हम जिस सीट पर एडमिशन ले रहे हैं वो परमिटेड सीट है या फिर रिकॉग्नाइज्ड सीट है? क्या परमिटेड सीट के कारण आज तक किसी भी डॉक्टर को प्रॉब्लम हुई है जिसने एमबीबीएस की डिग्री कंप्लीट कर ली है? क्या उसकी परमिटेड सीट ही रह गई है? क्या उसकी सीट रिकॉग्नाइज सीट में कन्वर्ट नहीं हुई है? तो इस विषय पर भी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ये भी चर्चा करेंगे कि हम कैसे चेक करें कि हम जिस सीट पर एडमिशन ले रहे हैं वो परमिटेड है या फिर रिकॉग्नाइज्ड है, और एनएमसी की वेबसाइट पर कैसे चेक करें कि कौन सी कॉलेज में कितनी सीट परमिटेड है और कौन सी कॉलेज में कितनी सीट रिकॉग्नाइज्ड है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप काउंसलिंग के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारी बुक डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बारे में हमने बुक लिख रखी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर हमारी वेबसाइट www.chopraeducation.in से आप ये बुक डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऑल इंडिया कोटा, स्टेट, आयुष, वेटनरी, एमबीबीएस, बीडीएस, सेंट्रल पूल कोटा, सभी के बारे में ये बुक अवेलेबल है। इसमें मैंने कट ऑफ सीट मैट्रिक्स चॉइस लिस्ट की 2022 में आपको कैसे चॉइस फिल करनी है, किस क्रम में चॉइस फिल करनी है, सर्विस बॉन्ड क्या है हर एक स्टेट का, हर एक स्टेट के काउंसलिंग प्रोसीजर के बारे में बता रखा है। तो ये बुक आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी, आप इसको डाउनलोड अवश्य करें। अब हम बात करते हैं वीडियो की कि परमिटेड सीट क्या होती है। तो सबसे पहले जब कॉलेज को न्यूली सैंक्शन सीट मिलती है, जैसे या तो कोई नया कॉलेज ओपन होता है या फिर किसी पुराने कॉलेज में सीट इंक्रीज होती है, तो जो इनिशियली सीटें होती हैं वो परमिटेड सीट कहलाती हैं, यानी कि उनको परमिशन मिल जाती है। जैसे कि मान लो यूपी में पिछले साल 9 कॉलेजेज रन हुई थी, उसमें हर एक कॉलेज में 100-100 सीट्स थी, तो इनको जो परमिशन मिली थी वो परमिटेड सीट थी। अब परमिटेड सीट 3 साल के बाद रिकॉग्नाइज सीट में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि उस सीट को मान्यता मिल जाती है। 3 साल बाद कन्वर्ट हो जाती है या फिर जब एमबीबीएस पास आउट होता है वो बैच, तब तक वो कन्वर्ट हो जाती है। तो हमने ये तो जान लिया इसके बारे में कि परमिटेड और रिकॉग्नाइज सीट क्या होती है। अब हम देखें कि जो परमिटेड सीट है वो रिकॉग्नाइज सीट में कब कन्वर्ट होती है। तो मैंने आपको बताया मेनली ये 3 इयर्स का टाइम लेती है। एनएमसी इन परमिटेड सीट को 3 साल बाद रिकॉग्नाइज्ड सीट में कन्वर्ट कर देता है। अगर 3 साल से ज्यादा समय लगता है किसी कारणवश तो उस बैच को पास आउट होते होते वो सीट कन्वर्ट हो जाती है रिकॉग्नाइज सीट में, यानी कि परमिटेड सीट में वो नहीं रहती है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो किसी स्टूडेंट ने 2018 में किसी परमिटेड सीट पर एडमिशन लिया था। परमिटेड सीट का मतलब या तो वो कॉलेज नई थी या फिर सीटें उसमें ऐड हुई थी, तो परमिटेड सीट पर एडमिशन लिया था किसी स्टूडेंट ने, तो उसका या तो 3 साल बाद यानी कि 2021 में ये सीट रिकॉग्नाइज हो जाएंगी। अगर ये बाय द वे नहीं होती है किसी कारणवश तो ये बैच पास आउट होगा 23 में, तो 23 में जब पास आउट होगा तब तक ये सीटें जो परमिटेड सीट हैं ये रिकॉग्नाइज सीट में कन्वर्ट हो जाएंगी, यानी कि किसी बैच के पास आउट होने से पहले ही वो सीट कन्वर्ट हो जाती है, एनएमसी उनको कन्वर्ट कर देते हैं रिकॉग्नाइज सीट में। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि क्या हमें परमिटेड सीट पर एडमिशन लेने से कोई नुकसान हो सकता है। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि परमिटेड सीट पर जब सारी परमिटेड सीट रिकॉग्नाइज सीट में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो इसमें आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आप परमिटेड सीट पर एडमिशन लेते हैं तो वो रिकॉग्नाइज हो जाएगी, तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। मैं आपको यहां पर ये क्लियर बता दूं कि परमिटेड सीट और रिकॉग्नाइज सीट में कोई अंतर नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि कैसे पता करें कि हमारा जो एडमिशन है वो परमिटेड सीट पर हो रहा है या रिकॉग्नाइज सीट पर हो रहा है। तो ये तो पता लगाना मुश्किल है, क्योंकि मान लो किसी भी कॉलेज में अगर 100 सीट से वो रिकॉग्नाइज सीट है, उसके बाद 50 सीट उसमें इंक्रीज हुई है, तो वो परमिटेड सीट इंक्रीज हुई है, तो आपका कौन सी सीट पर एडमिशन हो रहा है ये तो जानना मुश्किल है। लेकिन आप एनएमसी की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां आपको रिकॉग्नाइज्ड और परमिटेड सीट अलग अलग मिलेगी,
तो उसमें अगर आपका कॉलेज पुराना है जिसमें काफी पहले से सीटें रन हो रही हैं, कोर्स रन हो रहे हैं, तो वो सारी की सारी रिकॉग्नाइज सीट है। तो जिस पर आप एडमिशन ले रहे हैं तो आप चेक कर सकते हैं, न्यूली जो एडेड सीट्स होती हैं वो परमिटेड होती हैं और पुरानी रिकॉग्नाइज होती हैं। अब हम एक चीज और यहां देखें कि क्या परमिटेड सीट के कारण किसी भी डॉक्टर को प्रीवियस ईयर में कोई प्रॉब्लम आई है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। आज तक किसी भी डॉक्टर को परमिटेड सीट के कारण प्रॉब्लम नहीं आई है, क्योंकि मेनली ये देखा गया है कि 3 साल के अंदर अंदर ये सीट रिकॉग्नाइज हो जाती है। अगर बाय द वे नहीं होती है तो उस बैच को पास आउट होने से पहले पहले ये सीट रिकॉग्नाइज हो जाती है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती किसी भी स्टूडेंट को। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि एनएमसी की वेबसाइट पर कैसे चेक करेंगे कौन सी सीट रिकॉग्नाइज है, कौन सी सीट परमिटेड है, कौन सी कॉलेज में कितनी सीट परमिटेड है और कितनी सीट रिकॉग्नाइज है। तो इसको देखने के लिए हम यहां पर एनएमसी की वेबसाइट पर चलते हैं। यहां पर एनएमसी की वेबसाइट पर हैं, यहां नीचे इसमें स्क्रॉल करेंगे तो आपको लिस्ट ऑफ कॉलेज टीचिंग एमबीबीएस का ऑप्शन मिलेगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने सभी कॉलेजेज यहां पर शो होंगी, जो कॉलेज एनएमसी ने जिन कॉलेज को मान्यता दे रखी है वो कॉलेज यहां पर सारी शो हो जाएंगी हमारे पास। अब इसमें हम देखते हैं यहां पर हर एक कॉलेज के सामने स्टेटस ऑफ एमसीआई रिकॉग्नाइजेशन लिखा है, इस पर हम जाएंगे तो यहां इसमें स्टेटस पर क्लियर लिखा हुआ है कि कितनी सीट इस कॉलेज में रिकॉग्नाइज है और कितनी सीट इसमें परमिटेड है। अब यहां पर हमें यह ऑप्शन मिल रहा है, हम यहां पर देख रहे हैं कि इसमें जो सीटें हैं वो सीटें इसमें 100 सीट रिकॉग्नाइज है और इसमें टोटल इसकी कैपेसिटी है 114 सीट्स। तो इसमें 100 रिकॉग्नाइज सीट है और इसमें 14 सीट है वो परमिटेड सीट है। तो ये जो जिन बच्चों ने 15-16 में एडमिशन लिया है उनकी सीटें ये 100 सीट रिकॉग्नाइज है, और ये जो अभी एडमिशन ले रहे हैं 14 सीट से, तो ये 3 साल बाद में रिकॉग्नाइज हो जाएंगी या इनका जो बैच पास आउट होगा तब तक ये रिकॉग्नाइज हो जाएंगी। तो इस प्रकार से हम यहां से स्टेटस देख सकते हैं इनका। अब हम यहाँ पर सभी कॉलेज का ये स्टेटस देख सकते हैं, यहाँ सभी कॉलेजों के बारे में लिखा है। जैसे कि मान लो ये आंध्र प्रदेश का एक कॉलेज है, इसमें 2000 से ईयर 2000 से ये कॉलेजें रन हो रही हैं, तो इसके अंदर अगर हम देखें तो इसमें 150 सीट है वो सारी रिकॉग्नाइज सीट है। ये जो पूरी टोटल 150 सीट है ये सारी की सारी ये रिकॉग्नाइज्ड सीट्स हैं इसमें। तो ये हम यहाँ से पूरा देख सकते हैं, और इसके बाद में यहाँ पूरा का पूरा नेक्स्ट कॉलेज का देखेंगे तो इसमें 200 सीट्स यहाँ रिकॉग्नाइज हैं, यहाँ जो 200 से 250 सीट इंक्रीज हुई हैं, तो ये 50 सीट से ये 2019-20 का जो बैच खत्म होगा उसके बाद में ये रिकॉग्नाइज हो जाएंगी। अब इसकी हमने पूरी इंफॉर्मेशन देखनी है, पूरी इंफॉर्मेशन का मतलब हम ये देखना चाह रहे हैं कि कौन सी कॉलेज में कितनी सीट रिकॉग्नाइज है, कितनी सीट इसमें परमिटेड है। तो कॉलेज इंफॉर्मेशन डेस्क में हम कॉलेज एंड कोर्स सर्च पर क्लिक करेंगे, यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास कॉलेज की इंफॉर्मेशन आ जाएगी पूरी की पूरी। अब ये इंफॉर्मेशन जो आ रही है इसके अंदर हम कोर्स नेम में सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ अगर हमें एमबीबीएस ही सिलेक्ट करना है तो ड्रॉप डाउन में एमबीबीएस सिलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो यहाँ पर इसमें सारे कोर्सेज दिखाए गए हैं, एमडी के एमएस के सारी सीटें इसमें हैं, डिप्लोमा कोर्स भी है। मैं यहाँ पर एमबीबीएस सेलेक्ट कर रहा हूँ। अगर हमें ऑल सीट्स देखनी है तो यहाँ से देख सकते हैं, अगर हमें रिकॉग्नाइज सीट देखनी है तो यहाँ से देख सकते हैं, अगर रिकॉग्नाइज में ओनली गवर्नमेंट की देखनी है तो यहाँ से यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, या ऑल देखनी है तो ऑल पर क्लिक करेंगे या गवर्नमेंट पर क्लिक करेंगे, प्राइवेट देखनी है तो प्राइवेट पर क्लिक करेंगे, अगर हमें परमिटेड सीट देखनी है ओनली तो परमिटेड पर क्लिक करेंगे, और परमिटेड में भी गवर्नमेंट सीट देखनी है तो परमिटेड में गवर्नमेंट पर क्लिक करेंगे, और इसके बाद में अगर प्राइवेट देखनी है तो प्राइवेट पर क्लिक करेंगे। ये सारा करने के बाद जो भी आपको देखना है उसके बाद आप व्यू रिजल्ट पर क्लिक करेंगे, तो व्यू रिजल्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास में कॉलेजेस शो हो जाएंगे। अभी मैंने ऑप्शन सिलेक्ट किया है एमबीबीएस की परमिटेड सीट प्राइवेट कॉलेजेस की, तो 57 ऐसे कॉलेजेस हैं जिनमें परमिटेड सीट है वो 8200 सीट्स हैं इसमें। तो इस प्रकार से हम ये कॉलेजों का नाम भी पूरा चेक कर सकते हैं कि कौन सी कॉलेज में कितनी सीटें परमिटेड हैं, ये सारा का सारा इसमें सब कुछ दिखा रखा है, ये सारा आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया, हम कैसे पता करें कि ये परमिटेड सीट है या गवर्नमेंट सीट है।
तो ये इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कि अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और एकाएक उसकी मान्यता खत्म कर दी जाती है गवर्नमेंट द्वारा या एनएमसी के निरीक्षण के बाद में, तो उन स्टूडेंट का क्या होगा, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हुए नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के लिए आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।